देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी हो चुकी है। अमेरिका ने ऐसे ऐसे जंगबाज ईरान के आसपास मुस्तैद कर रखे हैं जो पलक झपकते ही ईरान का खेल खलास कर सकते। और ये सब होगा कैसे, इस रिपोर्ट में आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये बारूदी चक्रव्यूह। समंदर में अमेरिका का पहरा, मिडिल ईस्ट में ईरान को घेरा, जो ईरान कुछ मिसाइलें फायर करके ये सोच रहा है कि वो इजराइल और अमेरिका की ताकत का मुकाबला कर पाएगा, उसका ये मुगालता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अमेरिका ने ऐसे बारूदी चक्रव्यूह की रचना कर रखी है जिसे तोड़ पाना ईरान के बूते की बात नहीं। अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थित आतंकी संगठनों को चारों तरफ से घेर रखा है। इसके लिए जो मोर्चा तैयार किया गया है उसमें पहला मोर्चा है भूमध्य सागर में, दूसरा मोर्चा है लाल सागर में, तीसरा मोर्चा है फारस की खाड़ी में और चौथा मोर्चा है तुर्की में। इन फ्रंट पर ऐसे ऐसे जंगबाज अमेरिका ने मुस्तैद कर रखे हैं जो पलक झपकते ही ईरान की कब्र खोद सकते हैं। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस कार्नी डिस्ट्रॉयर और यूएसएस रूजवेल्ट डिस्ट्रॉयर की तैनाती कर रखी है। इसके अलावा भूमध्य सागर में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मुस्तैद कर रखा है। इस जंगबाज पर F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के 4 स्क्वाड्रन तैनात हैं। इतना ही नहीं, मेडिटेरियन सी में अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन भी दुश्मन के बारूदी जाल को तोड़ने के लिए तैयार है। वहीं रेड सी में अमेरिका ने यूएसएस रूजवेल्ट डिस्ट्रॉयर, यूएसएस मेसन डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बटान को उतार रखा है ताकि ईरान की मदद के लिए अगर हुती ने हमला करने की हिमाकत की तो लाल सागर के मोर्चे से अमेरिका उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल के जो संबंध हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और ईरान ने यदि इसराइल के ऊपर कोई फर्दर इससे कहीं ज़्यादा जा करके कुछ हमला करने की कोशिश की तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई सीधी सीधी कार्रवाई भी ईरान के विरुद्ध कर सकता है। और यदि कोई ईरान ने फुल फ्लेजेड वॉर करने का दुस्साहस किया तो ऐसे में जो अमेरिका सीधा सीधा खुल करके इसराइल के पक्ष में ईरान के विरुद्ध मैदान में आ सकता है। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अमेरिका के ऐसे ऐसे आसमानी सूरमा हुंकार भर रहे हैं जिनके आगे ईरान पनाह मांगता नजर आता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना के F-16 और F-15E जंगी विमान तैनात हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन F-35 भी मिडिल ईस्ट के किसी मोर्चे पर मुस्तैद है। इसके साथ ही अमेरिका ने F-22 फाइटर जेट को भी मिडिल ईस्ट में ईरान के बारूदी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए उतार रखा है। ऐसी भी खबर है कि ईरान और इसराइल में जंग की आहट को देखते हुए अमेरिका